नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के एकेडमिक काउंसिल के सम्मानित सदस्य के रूप में डॉक्टर पीसी व्यास को मनोनीत किया गया, जिसके उपलक्ष्य में शनिवार को एम्स रोड 11वीं गली में स्थित श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज के आरोग्य भवन में पधारने पर डॉक्टर पीसी व्यास का हार्दिक अभिनंदन किया गया। ओम प्रकाश व्यास ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ माँ महालक्ष्मी के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। राजेंद्र दवे DTO ने बताया कि अभिनंदन समारोह में डॉक्टर पीसी व्यास एवं बीकानेर के राज्यपाल अवार्डेड आर्टिस्ट शिव विजय श्रीमाली का समाज सेवी सत्यनारायण बोहरा, सत्तू भाई, राजेंद्र दवे, महेंद्र बोहरा, अध्यक्ष श्री श्रीमाली ब्रह्मांड समाज महानगर जोधपुर, कांतिलाल ओझा, ओम प्रकाश व्यास, प्रकाश शर्मा, कैलाश त्रिवेदी, महेश ओझा, नरेंद्र लाल त्रिवेदी, विक्रांत दवे, डॉक्टर आरपी जोशी, अर्जुन जोशी, भवरलाल व्यास, पुखराज दवे, यश श्रीमाली, सुरेंद्र कुमार दवे, भानु प्रताप होरा, दिनेश दवे द्वारा माल्यार्पण कर साफा पहनाकर पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया गया। श्रीमती रेणु दवे, श्रीमती राजकुमारी दवे, श्रीमती रेखा श्रीमाली, सुश्री लक्षिता श्रीमाली ने भी पुष्पगुच्छ भेंट कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित की। आप यहाँ आरोग्य बोल पधारे, वैसे हमारे ट्रस्टी हैं आप, परमानेंट आजीवन सदस्य हैं, लेकिन आज हम आपका स्वागत करते हुए हमको बहुत खुशी हो रही है। आरोग्य भवन आप बता रहे हैं, आपको क्या श्रीमाली समाज हमेशा से मेरा स्वागत करता रहा है और आज मैं बिल्कुल अभिभूत हूँ कि ऐसी गर्मी में भी आप इतने लोग पधारे और मुझे मेरे स्वागत के लिए आप इतने उत्साह के साथ पधारे हैं, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपके स्वागत से मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि समाज का सहयोग जिस तरह से अब तक मिला है आगे भी मिलता रहेगा और आशीर्वाद हमारे सभी साथियों का आरोग्य भवन का। आरोग्य भवन में आना एक विशेष बात है, क्योंकि आरोग्य भवन बना ही मेडिकल के लिए है कि जो भी एम्स में मरीज आते हैं उनके जो साथ वाले हैं उनके लिए आरोग्य भवन बना है, और आरोग्य भवन में सम्मान होना मेरे लिए और विशेष बात है।